हे फूडीज, वेलकम टू द स्पाइस एक्सप्रेस। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और टेस्टी रेसिपी आप सभी के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं एक और टेस्टी स्नैक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल पनीर सैंडविच। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अक्सर शाम को जब बच्चों को भूख लगती है तो उन्हें कुछ चटपटा चाहिए होता है, और हम उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी ही खिलाना चाहेंगे। तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए बनाते हैं ये टेस्टी सैंडविच। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने दो ब्रेड लिया है स्लाइसेस, और ये आटा ब्रेड लिया है मैंने, और इसके ऊपर मैं बटर अप्लाई कर दूंगी सबसे पहले। तो बटर इसलिए अप्लाई करेंगे हम ताकि जब हम इसके ऊपर सॉसेस लगाएं तो वो सॉगी ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है या टोस्टर नहीं है तब भी घबराएं नहीं, ये बिना ग्रिलर और टोस्टर के हम बनाएंगे टेस्टी सैंडविच। अब एक साइड पर मैंने अप्लाई किया हाफ स्पून जितना शेजवान सॉस, हाफ स्पून जितनी प्लेन मेयोनीज, और हाफ स्पून जितना टोमेटो केचप। अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनसे अपना नया फ्लेवर का सैंडविच बना सकते हैं। आप मिंट सॉस लगा सकते हैं, चिली सॉस लगा सकते हैं, कुछ भी। इसे अच्छे से मिक्स करके फैला देंगे हम, और दूसरी साइड पर मैं लगाऊंगी इस पर फ्लेवर्ड मेयोनीज। मेरे पास तंदूरी मेयोनीज थी, आप चाहें तो प्लेन लगाएं, चाहें तो आप मिंट चटनी लगाएं, या फिर चीज स्प्रेड, कुछ भी। अब मैंने इस पर बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च लगा दी है, और इसके ऊपर मैं थोड़ी से ये स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ बॉइल्ड। अब क्योंकि ये पनीर सैंडविच है तो मैं इसके ऊपर डालूंगी पनीर के क्यूब्स। फ्रेंड्स, आपने स्ट्रीट स्टाइल सैंडविचेस खाए होंगे, वो पूरे लोडेड होते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे पनीर के क्यूब्स डाले हैं। इसके ऊपर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो, और मैं इसके सेंटर में डालूंगी चीज़। मेरे पास मोज़रेला चीज़ था, आप चाहें तो चीज़ क्यूब्स या चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि चीज़ जो है हम सेंटर में डालेंगे, कॉर्नर्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि इसे हम तवे पर बनाने वाले हैं, तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो चीज़ जो है वो बाहर निकल कर चिपक सकता है। ये देखिए रेडी हो गया है। ये इसी तरीके से एक और सैंडविच तैयार कर लेते हैं। मैंने इस पर डाली है थोड़ी सी शेजवान सॉस, थोड़ा सा मेयोनीज, थोड़ी सी टोमेटो केचप। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और साथ ही इसकी दूसरी साइड पर मैंने लगाई है तंदूरी मेयोनीज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप इस सैंडविच में अपनी पसंद की कोई भी सॉसेस जो आपके घर में अवेलेबल हो, या चीज़ स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी वेरिएशन ला सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने डाल दिया है इस पे बारीक कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च, आप चाहें तो इसके ऊपर ढेर सारी अपनी पसंद की सब्जियां लगा सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न लगा दिया मैंने, और साथ ही अब मैं अप्लाई करूंगी इसके ऊपर पनीर के क्यूब्स। इसके ऊपर मैं डालूंगी फ्लेवर के लिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो, थोड़े से प्याज और शिमला मिर्च और डाल देते हैं। मुझे अपना सैंडविच लोडेड पसंद है, आपको अपना सैंडविच कैसा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने इस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो लगा दिया, और सेंटर में मैं लगा दूंगी चीज़ सेंटर में ही लगाएंगे ताकि ये बाहर ना निकले। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये देखिए ये तैयार हो गए हैं, इसे सेकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तवा गर्म कर लिया है, और तवे पर मैंने एक चम्मच जितना रिफाइंड लगा दिया है। आप चाहें तो इसे बटर में भी कर सकते हैं, मैं पर्सनली जो है इसे रिफाइंड में करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जल्दी और अच्छा क्रिस्पी होता है रिफाइंड से। तो आप तवे की फ्लेम कम कर देंगे, और इसके ऊपर हम रख देंगे हमारा ये सैंडविच। एक स्टील की प्लेट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे सैंडविच के ऊपर, और एक कपड़े की हेल्प से हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि जो है सैंडविचेस के दोनों ब्रेड जो हैं वो आपस में बिल्कुल अच्छे से जॉइन हो जाएं और सील हो जाएं, हमारी कोई भी फिलिंग बाहर ना आए। प्रेशर उतना ही अप्लाई करना है कि फिलिंग बाहर ना आए, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है ताकि ये क्रिस्प हो नीचे से अच्छे से। बीच बीच में चेक करते रहेंगे, हल्का सा रिफाइंड जो है हम दूसरी साइड पर अप्लाई करेंगे, और इसे फिर एक स्पैचुला की हेल्प से फ्लिप कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए एक साइड से कितना क्रिस्पी हो गया है। अब दोबारा हम प्लेट को प्लेस करेंगे और हल्का हल्का से इसे दबाएंगे ताकि नीचे से ये क्रिस्प हो जाए, और फ्लेम जो है वो स्लो रखेंगे। तवा हमारा गर्म होना चाहिए, लेकिन फ्लेम जो है स्लो होनी चाहिए ताकि ब्रेड हमारी अच्छे से क्रिस्प होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ग्रिल या टोस्टर में करते हैं। हल्का सा मैं रिफाइंड और अप्लाई करूंगी, करीब आधी चम्मच जितना, और इसे मैं फ्लिप कर दूंगी दूसरी साइड से। ये देखिए अच्छा क्रिस्प हो गया है। इसे एक या दो मिनट लगेंगे करीब, और हमारी जो चीज़ है अंदर से मेल्ट हो जाएगी, और हमारी फिलिंग भी अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए करीब 10 से 15 सेकंड के लिए और मैं इसे सेक लूँगी हल्के हल्के प्रेशर से, और हमारी फिलिंग देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही। चीज़ हमने सेंटर में लगाया था तो वो भी बाहर नहीं आ रहा है, बिल्कुल क्लीन है हमारा। देखिए तवा इस, देखिए रेडी हो गया है हमारा क्रिस्पी सैंडविच। हम दूसरा सैंडविच भी इसी तरीके से तैयार करेंगे, घी अप्लाई करेंगे अपने टोस्ट को इस प्लेट की हेल्प से, हल्का हल्का इस तरीके से सेकते हुए, और देखिए दूसरी साइड पर लगाएंगे और फ्लिप कर देंगे। कितना अच्छा क्रिस्प आया है ना, ग्रिलर या टोस्टर के बिना भी हम ये टेस्टी और क्रिस्पी
बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला हेल्दी सैंडविच तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आटा ब्रेड इस्तेमाल की है। ये देखिए रेडी हो गया, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी जल्दी तैयार हो गए ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी टोस्ट बिना किसी टोस्टर के हेल्प के। फ्रेंड्स अगर आप रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें द स्पाइस एक्सप्रेस को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है और फुल ऑफ वेजीज और पनीर से लोडेड है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी है, आप गिल्ट फ्री इसे अपने बच्चों को खिला सकते हैं, शाम के स्नैक्स में खाएं चाहे ब्रेकफास्ट में खाएं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ये रेसिपी जो है एक बार इस संडे के ब्रेकफास्ट में आप ट्राई कर ही डालिएगा। और टेस्टी और जबरदस्त स्नैक्स की रेसिपी के लिए विजिट कीजिए मेरा चैनल द स्पाइस एक्सप्रेस। आप मुझे फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी इसी पेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द स्पाइस एक्सप्रेस को। फिर से मिलूंगी एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।